छोटा ही है। हाँ अब बताओ। अब जो पहाड़ी देख रहे हैं जो बर्फ वाली जो जम्मू कश्मीर की सबसे और उसी तरफ आती है तो जो बर्फ भी पड़ी है जैसे जम्मू कश्मीर और जैसे ये पेड़ पौधे जैसे को जैसे इस्तेमाल में लेना हो तो कैसे? अच्छा, परमिशन ले लेते हैं तो फिर हम इसको काट सकते हैं, विदाउट परमिशन हम इसको नहीं काट सकते गाइस। ज़्यादातर फसल कौन सी उगाई जाती है? गेहूँ की। साल में एक ही बारिश तो आती है जब बारिश होगी तो आएगी पर वो बाढ़ आधा होना कर सकते हैं। अच्छा, ये जो तारे लगी हुई हैं ये तार ऐसे हैं कि ये कोई जंगली जानवर आता है उसको अंदर मैं घुस देता हूं। अच्छा, बार बार में रहेगा हमारे को अच्छा ये एक जानवर आ जाता है जो उसका बाहर शरीर का एक होता है। अच्छा, वो शालांग लगा के आ जाती है। बाकी कोई छोटा जानवर नहीं आता। और ये नींबू के लगा रखे आपने तो इसमें अभी तो फूल लग गए हैं। जहाँ से पानी नीचे बाल लगे हुए हैं और ये आपके हाथ में क्या है? दरार, मतलब इससे जंगल की साफ सफाई रास्ता। अच्छा, अगर वो कटिंग वगैरह नहीं करेंगे तो रास्ता। अच्छा, चलिए चलते हैं आगे।
गांव में भी होता होगा। अच्छा, ज्यादातर शहरों में। हाँ, सफाई करते हैं इसकी। ऐसे ऐसे इधर से बस चलते जाते। जब सूख गई तो जलाने के काम आ जाए। तुम्हारे हम लोग ज्यादा करके हम लोग इसको यूज करते हैं ठंड के टाइम में, खाने के में इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल। जब तुम मक्की की रोटी बनाते हैं तो इसमें लकड़ी में ही अच्छा लगती है। वो कम से कम 35 एकड़ में लगा रखे हैं। हाँ, अभी तो छोटे हैं, बच्चे हैं, जो थे अगर इस बार साल तो कम से कम 30-35 क्विंटल माल हमारा निकल जाएगा इसमें। अच्छा, अभी तो ज़्यादा निकलेगा, जैसे जैसे फिर बढ़ते थोड़े से बड़े हो जाएंगे। हाँ, इतना हो जाता है सालाना जितना आप बता रहे हो। तो ये मतलब जो व्यापारी खुद ले जाते हैं या व्यापारी? अच्छा, खुद तोड़ाई करके। पठानकोट में भी मंडी होगी। खजूर, इसमें खजूर भी आ रहे हैं। खजूर है गाइस, तो खजूर भी उपजाते होंगे। अच्छा, अच्छा, जैसे बरसात आती है कम पानी की जरूरत पड़ती है।